रामनवमी तक चलेगा श्री रामचरितमानस महायज्ञ, प्रतिदिन चौपाइयों से हो रही आहुति। विश्व कल्याण की कामना को लेकर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट स्थित कामतनाथ मंदिर में श्री रामचरितमानस परायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में रामचरितमानस की चौपाई गाकर हवन आहुति दी जाती है। प्रतिदिन एक काव्य खंड का पाठ हो रहा है, जो नवमी के दिन भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य जन्मोत्सव के साथ महायज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। कामतगिरी प्रमुख द्वार चित्रकूट के महंत मदन मोहन दास महाराज ने बताया कि इस बार का आयोजन विशेष होगा, क्योंकि भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य मंदिर में 22 जनवरी को हुए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर प्रभु की तपोभूमि चित्रकूट में श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। रामनवमी के दिन जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर तपोभूमि चित्रकूट में बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। महंत मदन गोपाल दास महाराज ने बताया कि वनवास काल में प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्षों तक चित्रकूट के कामतगिरी पर्वत पर निवास कर तप और साधना की थी, जिसकी वजह से चित्रकूट आदि शक्ति पीठ है। नवरात्र में चित्रकूट में शक्ति की उपासना भी होती है। प्रभु श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ चल रहा है, जो कि विश्व कल्याण की कामना को लेकर के हो रहा है। यहाँ पर श्री रामचरितमानस महायज्ञ में प्रत्येक चौपाई से आहुति दी जाती है। प्रत्येक दिन एक पारायण होता है। 9 दिन तक नवाह पारायण यह यज्ञ चलता है और 9वें दिन भगवान राम का जन्म होता है। तो इस बार जो रामचरितमानस महायज्ञ श्री चित्रकूट धाम कामतानाथ मंदिर में हो रहा है, तो यह लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण अपितु पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तो इस बार पहली बार जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है 22 जनवरी को अयोध्या धाम में, उसके ही उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम प्रथम बार भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो वह जन्मोत्सव अयोध्या धाम और चित्रकूट धाम को लेकर के, क्योंकि अनंत काल से श्रद्धालु श्री चित्रकूट धाम आते रहे हैं भगवान का जन्म मनाने के लिए, रामनवमी को लाखों श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। तो जैसा अयोध्या धाम सजा है भव्यता दिव्यता से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा राम जन्मभूमि पर, तो वैसे ही श्री चित्रकूट धाम में भी कामतानाथ मंदिर में भव्यता दिव्यता से भगवान का जन्म मनाया जाएगा। उसी के हेतु यह श्री रामचरितमानस महायज्ञ चल रहा है और हजारों श्रद्धालु आने वाले हैं और दर्शनार्थी दर्शन भी कर रहे हैं और यज्ञ में सम्मिलित भी हो रहे हैं। भगवान राम का चित्रकूट से क्या जुड़ाव है? भगवान राम का चित्रकूट धाम से जुड़ाव है कि वनवास काल में भगवान ने सर्वाधिक समय श्री चित्रकूट धाम में दिया, यहाँ पर साधना की है कामतगिरी पर, और नवरात्रि में यह जागृत अवस्था में रहते हैं तो यहाँ पर शक्ति की भी उपासना होती है। चूँकि यह रामगिरी है, कामतगिरी, यहाँ पर कामना देवी के रूप में भी इसको माना जाता है, तो ये 52 शक्ति पीठ हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है कि आदि शक्ति पीठ हैं, उनमें से एक चित्रकूट धाम में भी है, तो यही कामतगिरी है। तो यहाँ पर शक्ति की उपासना चल भी रही है 9 दिन तक, वही यज्ञ जो चल रहा है। तो विशाल आयोजन रामनवमी को होने वाला है, तो हम सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि श्री चित्रकूट धाम पधारें, कामतानाथ जी का दर्शन करें, परिक्रमा लगाएं और नवमी को भव्य दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसमें जरूर सम्मिलित हों। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने पीटीएम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होम एनवायरनमेंट, रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल।